हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल युवांशी फैशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बैग डिजाइन बनाना बताया था। इस बैग डिजाइन का फुल ट्यूटोरियल मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, वहां से आप इसकी कटिंग स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल देख सकते हो। और आज मैं इसका फ्रंट हिस्सा बनाऊंगी, तो मैं यहाँ पर 4 टस्क ब्लाउज के अंदर फ्रंट नेक डिजाइन बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर ये बचा हुआ फैब्रिक लिया है और लाइनिंग ली है। सबसे पहले हम हमारी लाइनिंग के ऊपर हमारे फ्रंट हिस्से की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने इसके अंदर चौड़ाई के अंदर हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर ली है। जो भी हमारी चेस्ट होती है उसका फोर्थ हिस्सा लेते हैं, तो मेरी यहाँ पर 40 चेस्ट है, तो 40 चेस्ट का मैंने फोर्थ हिस्सा लिया है 10 इंच और 2 इंच उसमें मार्जिन का ऐड करके इसकी कटिंग कर ली है हमारी चौड़ाई के अंदर फैब्रिक की। तो अब हम इसकी लेंथ की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे फ्रंट हिस्से की लेंथ लेंगे। लेंथ हम बैक साइड की जो हमारी लेंथ है उससे ज्यादा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इसमें फ्रंट हिस्से में हमारा बेल्ट भी बनता है और बेल्ट में नीचे फोल्डिंग भी होती है। तो हम यहाँ पर जो हमारी बैक साइड की लेंथ है उसे 2.5 इंच यानी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमारी यहाँ पर बैक साइड की लेंथ है तो 14.5 इंच, हमारी बैक साइड की लेंथ 14.5 इंच है, तो मैं यहाँ पर इसमें 2.5 इंच यानी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। तो यहाँ पर आएगा 17 इंच, तो मैं यहाँ पर 17 इंच ले रही हूँ। 17 इंच पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो भी आपकी बैक साइड की लेंथ हो आप उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए और फिर उसके में सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये हम एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे की तरफ बेल्ट बनाना है और बेल्ट में अंदर की तरफ फोल्डिंग भी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा इसको कटिंग कर देंगे। अब हम इसकी शोल्डर लेंगे, तो ये हमारा 40 साइज का है, तो हम यहाँ पे 6.5 इंच लेंगे इसकी शोल्डर और यहाँ पर आर्म होल भी लेंगे हम 6.5 इंच। तो यहाँ हमारी चेस्ट है 40 इंच, तो 40 इंच का फोर्थ बार लेंगे हम यहाँ पे 10 इंच। 10 इंच में हम 2 इंच का मार्जिन प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 12 इंच, और 12 इंच लेंगे हम यहाँ पर इसकी चेस्ट। और यहाँ पर कमर है हमारी इसकी 36, तो 36 का फोर्थ भाग होता है 9 इंच, 1 इंच टस्क का और 2 इंच का इसमें मार्जिन। और यहां से हम सीधे ये हमने यहां से इसकी कटिंग कर दी है। और अब हम यहां पर इसमें आर्महोल लेंगे, तो आर्महोल है हमारे यहां पर 1 इंच। फ्रंट हिस्से के अंदर हमें 1 इंच लेनी होती है आर्महोल। और यहाँ पर हम नेक लेंगे, नेक है हमारे यहाँ पर 3 इंच, नेक की विड्थ लेंगे हम यहाँ पे 3 इंच। और यहाँ पर हम इसकी लेंथ लेंगे 6.5 इंच, इधर से भी विड्थ लेंगे 3 इंच और एक बॉक्स बनाएंगे। ये हमने इस तरह से बॉक्स बना लिया, ये चौकोर हमने नेक बना ली है। हम यहाँ पर नेक चौकोर ही बनाएंगे, इस तरीके से रखेंगे हम नेक। और हम नीचे यहाँ पर इसमें बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, तो बेल्ट की कटिंग करेंगे तो हम यहाँ आगे की तरफ, तो हमें 3.5 इंच लेना है, यहाँ 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे आगे की तरफ। और यहाँ पीछे की तरफ से हमें 3-3 इंच में निशान लगाना है। ये जो हमने निशान लगाए इन निशान को मिलाते हुए हमें यहाँ पे इसमें लाइन ड्रॉ करनी है। हमें यहाँ ऊपर की तरफ कर्व शेप देते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारे बेल्ट की मार्किंग भी हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, तो पहले तो हम यहाँ से इसको कट करके और बेल्ट को हटाएंगे। तो मैंने यहाँ से इसकी कटिंग कर ली है और फिर हमें यहाँ आर्महोल की कटिंग करनी है। ये मैंने यहाँ से भी इसकी कटिंग कर ली है और फिर हमें यहाँ पर इसकी नेक की कटिंग करनी है और मैंने यहाँ से इसकी भी कटिंग कर ली है। तो ये फ्रंट हिस्से का ऊपर वाला हिस्सा है और ये हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है। और अब हम इसके अंदर टस्क की मार्किंग करेंगे, तो टस्क की लेंथ लेंगे हम यहाँ पे 10.5 इंच। टस्क की लेंथ लेनी है हमें यहाँ पे 10.5 इंच और यहाँ पर हम इसकी विड्थ लेंगे। तो जो भी हमारी चेस्ट होती है उसको 10 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे यहाँ पर चेस्ट है 40 इंच, तो 40 इंच को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 4 इंच। तो हम यहाँ पर टस्क की जो विड्थ है वो लेंगे यहाँ पे 4 इंच। जो भी आपकी चेस्ट हो आप उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो वो आपकी यहाँ पर टस्क की विड्थ आ जाएगी। तो ये हमारी टस्क की विड्थ आ गई है, तो ये हमारा टस्क पॉइंट आ गया है इसके अंदर।
तो अब यहां से हम इसमें लेंगे सवा इंच यानी 1.25 इंच, सवा इंच का गेप छोड़ना है, 1.25 इंच का गेप छोड़ के और फिर लाइन ड्रॉ करनी है। और इधर से लेंगे हम 1.5 इंच यानी 1.5 इंच, 1.5 इंच छोड़कर 1.5 इंच छोड़कर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और इधर से हम लेंगे यहाँ पे 2 इंच, 2 इंच का गेप छोड़ना है और 2 इंच का गेप छोड़ के लाइन ड्रॉ करनी है। और इधर से भी 2 इंच का गेप छोड़ के लाइन ड्रॉ करनी है। और इधर की तरफ भी 2 इंच का गेप छोड़ना है और लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने इधर की तरफ 1.5 इंच का गेप छोड़ा है, इधर 1.5 इंच के गेप से लाइन ड्रॉ करी है, इधर 2 इंच के और इधर भी 2 इंच के गेप से लाइन ड्रॉ करी है। और अब हम इनको डार्क कर लेंगे। और इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये हमारे दूसरी तरफ भी इसमें निशान आ जाएंगे टस्क के, पर इधर भी हम निशान लगाएंगे। ये हमारे दोनों तरफ इसमें टस्क के निशान आ गए हैं। और ये हमारे फ्रंट हिस्से की कटिंग हो गई है लाइनिंग के ऊपर। और अब हम इनकी कटिंग हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर करेंगे। ये हमने मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर दी, हमारी लाइनिंग को रखते और हमने मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर दी है। और अब हम इनको अटैच करेंगे, तो हम बेल्ट के ऊपर वाला हिस्सा लेंगे, इसको अटैच करेंगे। तो हम इनको एक दूसरे के अपोजिट साइड रखेंगे। पहले हमें इसको इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट साइड रखना है, ये हमें इस तरह से रखना है एक दूसरे के आमने सामने। और इसके ऊपर हम हमारी लाइनिंग रखेंगे। ये हमें एक दूसरे के आमने सामने रखना है इसको, इसलिए रखते हैं पहले बार होता है कि हम दोनों हिस्सों को एक ही तरफ सिल देते हैं, तो इस वजह से हमें पहले से इसको आमने सामने रखना है एक दूसरे के अपोजिट साइड। और इस तरह से रखकर हम इन दोनों को सेट कर लेंगे और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे चारों तरफ इसमें सिलाई लगा के लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर देंगे। हमें दोनों हिस्सों में चारों तरफ सिलाई लगा के लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर देना है। ये हमने यहाँ पे चारों तरफ इसमें सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है और अब हम इसके अंदर टस्क भरेंगे। ये हमने इसमें टस्क भर दिए हैं। ये हमारे इस तरह से देखिए इसका कितना अच्छा पफ आया है। ये हमने टस्क भर दिए हैं और इसी तरीके से हमें दूसरा वाला हिस्सा भी तैयार करना है। मैंने ये दोनों हिस्से तैयार कर दिए हैं। ये हमने दोनों हिस्से के अंदर इसमें टस्क भर के दोनों हिस्सों को हमने इसमें तैयार कर दिए हैं। अब हमें हमारे बेल्ट लेने, बेल्ट को भी हमें एक दूसरे के आमने सामने रखना है। जिस तरह से ऊपर वाले हिस्सों को रखा था सेम, वैसे हमें नीचे वाले जो बेल्ट है उनको भी आमने सामने रखना है। तो हमें इस तरह से अपोजिट साइड में रखेंगे इनको और इनके ऊपर हमारे मेन फैब्रिक रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से रखकर और हमें इनको भी हम सिलाई लगा के चार तरफ से लाइनिंग फैब्रिक अटैच कर देंगे। ये हमने इसमें चार तरफ सिलाई लगा के लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर दिए। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है। अब हम इसको हमारे ब्लाउज के अंदर अटैच करेंगे। तो हम हमारा ऊपर वाला हिस्सा लेंगे। तो ये हमें हमारे जो बेल्ट है इस बेल्ट को हम यहाँ इसमें ऊपर की तरफ इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखकर हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरा वाला भी अटैच करना है। इसको भी हमें यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे इसको, और इस तरह से रखकर हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगा के हमारे बेल्ट को अटैच करेंगे। ये हमने सिलाई लगा के हमारे बेल्ट अटैच कर दी, इधर भी सिलाई लगा दी, इसको अटैच कर दिया, दूसरे वाले बेल्ट को भी अटैच कर दिया। और अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और सीधा करके हमें एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करके एक सिलाई हमें इसके ऊपर लगानी है। दोनों के अंदर हमें इसको इस तरह से सीधा करना है और सीधा करके इसके ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। हमने यहाँ पे इसमें सिलाई लगा दी है, उधर भी सिलाई लगा दी है। और अब हम यहाँ पर इसमें आगे की तरफ हमारी जो आयु की पट्टी है वो अटैच करेंगे आगे की तरफ। ये हमने इसमें आयु की पट्टी लगा दी है यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर ये गोल्डन फैब्रिक लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये गोल्डन फैब्रिक लिया है और इस पर हम कटिंग करेंगे हमारी नेक की। तो हम इस गोल्डन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से नेक को रखेंगे और नेक को रखकर हम इसमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे।
ये हमने ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसमें हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा देंगे। ये हमने ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर ली है, अब हम इसको हमारे नेक पर लगाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको इधर की तरफ लगाएंगे इसको इस तरह से। तो जब हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करके लगाएंगे। हमें इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है और ये नीचे की तरफ भी हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फिर फोल्ड करके यहाँ पर और यहाँ पर इसमें सिलाई लगानी है। ये हमने यहाँ पे इसमें सिलाई लगा दी है, अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। हमें इसको इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करना है, अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी है। ये हमने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा दी है और अब हम यहाँ पर एक सिलाई और लगाएंगे। ये जो हमारे पीछे से जो पाइपिंग है ये यहाँ से उठी हुई है तो हम इसके पास में एक सिलाई और लगानी है जिससे हमारी पाइपिंग भी बैठ जाएगी इस तरह से और फिर अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो इसके एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसके पास पास में एक सिलाई और लगानी है। ये मैंने यहाँ पर इसके अंदर सिलाई लगा दी है और मैंने यहाँ पर इस तरह से अभी गोल्डन कलर के ये इस तरह से फैब्रिक कट कर लिए हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई है यहाँ पे 2.5 इंच लंबाई है और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है, यानी 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 2.5 इंच इसकी लंबाई है। और इस तरह से चौकोर फैब्रिक कट कर दिया है और फिर इसके बाद में हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में बनाएंगे और फिर दोबारा से एक बार और ट्रायंगल शेप में बनाएंगे और इस तरह से हमें बना के और यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है यहाँ पे। ये हमने सिलाई लगा के इस तरीके से ये तैयार कर दिया है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, यहाँ पर इस तरह से चौको फैब्रिक लेंगे, 2.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच लंबा है ये और फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ट्रायंगल शेप में बनाएंगे और फिर दोबारा से एक बार और ट्रायंगल शेप में बनाएंगे और इस तरह से बना के यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। ये मैंने यहाँ पर भी इसमें सिलाई लगा दी है। इस तरह से हमें बहुत सारे पीस बनाने हैं। ये मैंने यहाँ पर इस तरह से डिजाइन बना दी है और अब हमें ये एक इस तरह से लेना है, हमारा एक फैब्रिक लेना है और इसको यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखकर और यहाँ पर हम इसमें लगाएंगे। ये हमें इस तरह से करते हुए इसमें लगाना है। फिर हमें दूसरा वाला फैब्रिक लेना है और फिर इसको हमें इस तरह से फोल्ड खोलना है इसको और फिर यहाँ पर इसमें इस तरह से लगाना है और फिर दोबारा से हमें ये तीसरा फैब्रिक लेना है। जिधर से ये खुला हुआ ऐसा है इसको हमें इस तरह से खोलना है और फिर इस तरह से हो जाएगा ये हमारा खोलने के बाद में और यहाँ पर इसको भी हम लगा देंगे इसे इसके ऊपर और इस तरह से लगाते हुए हमें इसके अंदर पूरी में इसमें सिलाई करके यहाँ तक लगाना है इसमें। और फिर हम यहाँ पे इसे फैब्रिक लेंगे, इस इधर से खुला हुआ है इधर से इसको इस तरह से दबाएंगे तो ये हमारी ऐसे डिजाइन आ जाएगी। इसको फिर हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से, तो हमें इस तरह से ये डिजाइन लगानी है यहाँ पे। ये हमने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा के इनको अटैच कर दिया है और मैंने यहाँ पर इस तरह से अब ये लेस ली है। अब इस लेस को हम यहाँ पे इसमें पास में लगाएंगे, इस लेस को हमें इस तरह से पास में लगानी है यहाँ पर और फिर इसको हम इस तरह से फोल्ड करके और फिर इधर की तरफ ऐसे चौकोर शेप में लगानी है इस लेस को हमें। ये हमने सिलाई लगा के इस लेस को अटैच कर दिया है और इसी तरीके से हमें दूसरा वाला हिस्सा भी तैयार करना है। ये मैंने दूसरे से भी कंप्लीट कर लिया है, अभी दूसरे से कहते भी मैंने ये नेक डिजाइन कंप्लीट कर ली है और ये मेरी इस तरह से नेक डिजाइन कंप्लीट है और ये हमारा फ्रंट हिस्सा कंप्लीट है। फ्रेंड्स, मेरी ये फ्रंट डिजाइन अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री कृष्ण।